अरे तब भी सब्सक्राइब चैनल कर देना भाई, बोलने का मतलब ये नहीं कि नहीं साहब तो अब आपने कहा तो अब तो हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे इसके। आप ऐसी बातें करते हो क्या? वाकई में आप फ्यूचर देख सकते हो? मुझे नहीं मालूम, मैं फ्यूचर नहीं था, लेकिन मैंने आज के 3 साल पहले जो है एक क्लास के दौरान मैंने कहा था, 3 साल दोस्त 2.5 साल रहे होंगे, मैंने कहा था कि मानव जाति को यदि हम इस प्रकार से इन्वायरमेंट साथ छेड़छाड़ करते रहे और इस प्रकार से हमारे जो हरकतें चलती रही तो मानव जाति को सबसे बड़ा खतरा होने वाला है एक वायरस से। और ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है बायोमेंटर्स ऑनलाइन पर। मैंने कहा मानव प्रजाति को वायरस से खतरा होगा और बड़ी संख्या में लोगों को अफेक्ट करेगा, पैंडेमिक आ सकती है, ये मैंने प्रिडिक्ट किया। मैंने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान होंगे, लोग सिलेंडर लेके आएंगे, सैमसंग का सिलेंडर तेरे पास कौन सी कंपनी सिलेंडर, ऑक्सीजन जो है वो ऐसी चीज है जिसके लिए मारा मार मचेगी। वो दिन भी आ गया। आप बोलोगे सर बोले ही मत करो कुछ, हो रहा है वो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चीजों को एनालाइज करता हूं, देखता हूं कि हम जा कहां रहे हैं। आई कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स कि भाई ये ऐसा चलता रहा तो ये हो सकता है। मोर वायरसेस येट टू कम। यदि हमने अभी भी ग्लोबल वार्मिंग को नहीं संभाला तो बहुत। लेकिन मैं अच्छा हॉस्पिटल भी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि आने वाले समय में का कैंसर जैसी बीमारी कभी हुआ करती थी, लोग बोला करेंगे भाई क्या है, ठीक है कुछ नहीं, जीन थेरेपी करा लेते हैं, चलते हैं डॉक्टर होगा इस कि भाई फला डॉक्टर MBBS MD DM DM इन जीनोमिक सर्जरी। अच्छा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई आ जाओ अंदर, वो लाल पीली लाइटें अलग अलग होंगी, वो साउथ इंडिया की मूवी में ऐसे दिखाता लाल पीली लाइटें के, और वो जीन को बदल देगा। आने वाला वक्त वैसा है, ठीक है। अरे तब भी सब्सक्राइब चैनल कर देना भाई, बोलने का मतलब ये नहीं कि नहीं साहब तो अब आपने कहा तो अब तो हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे इसके।